तो गाइस आज का ब्लॉग कर रहे हैं अपने घर से स्टार्ट, और ये खड़ी है हमारी निंजा 1000 जो हरिद्वार घूम के आ चुकी है। और भाई हरिद्वार से घूम के आ गए हैं तो साग कुशल आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई बाइक में, लेकिन बहुत बहुत गंदे लोग पड़े दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर मना कर दोगे ना बाइक के आसपास में भटको तो लोग सोचते हैं कि एटीट्यूड आ गया, और बोलते भी हैं और भटकने की छूट दे दो कि फ़ोटो करो वीडियो कापी और कोई दिक्कत नहीं है, तो नुकसान दिखाता हूँ कितना नुकसान किया। अब ये हेटर्स हैं क्या है भाई मुझे नहीं पता। भाई जब तक मैं बाइक का नुकसान दिखाऊंगा अपनी क्या नुकसान हुआ, जब तक मिलो इन भाइयों से। भाइयों काफ़ी दिनों से अप्रोच कर रहे थे अपनों को लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो फिलहाल मैं इनसे मीटअप हो गया भाइयों से, रास्ते मिले थे। ये मिलक में नहीं मिले थे, हाँ ये रामपुर और कैमरी वाला रोड पर मिले थे भाई। थार देख के चार बार बुला दी, अखबार उखबार यार इसमें गिर गई यार। भाई थार देख के आया तीनों लोग, मेरा क्यों तीनों? नहीं नहीं दिमना से आए, दिमना भी 10 किलोमीटर है। अरे तुम वहां कहां रहते हो? मैं भी तो वहीं का हूं यार। ये दिमना के पास गांव का, ये यहबरा गांव में, यहबरा में जानते हैं। अच्छा अच्छा सही बात है। हरीश पटेल आपकी लाइफ की फोटो है यहबरा में अपना वो है घर यार। ये फोटो तुम्हारा है क्या? हां तुम गए थे वहां पे राइट पे? हां गए नहीं थे, पुल के नीचे मिल गए। देखो नुकसान की बात करूं तो देखो सुपर बाइक और नॉर्मल बाइक में बस इतना डिफरेंस है, अगर नुकसान होगा आपके नॉर्मल बाइक में ठीक है तो 200-400 रुपये का मैक्सिमम होगा, छोटा मोटा जो हादसा हो सकता है ठीक, ज़्यादा बड़ा क्रैश होगा तो बाइक टूट जाएगी ज़्यादा ठीक है। लेकिन इन बाइकों में जब नुकसान होता है ना तो छोटी से छोटी चीज़ 1500 में नहीं आती, वो 1000 से तो ऊपर ही ऊपर होती है, 100-200-300-400 की तो होती नहीं कुछ चीज़ में। अब ये वाला साइड मेरा टूट गया ठीक है, ये वाला साइड मेरा इतना मजबूत होता है ये सब तरफ मुड़ भी जाता है ठीक है, चारों तरफ मुड़ रहा है और ये ऐसे ऐसे हल्का भी हो जाता है रोटेट ठीक। अब ये इतना फिक्स है फिर भी इधर वाला मिरर मेरा तोड़ दिया। किसने तोड़ा? मेरे सामने तोड़ा, मेरे सामने नहीं तोड़ा मतलब बताया मुझे किसने तोड़ दिया, तोड़ने वाला बंदा भी सामने था, वो भी जानने वाले समझ लो उसे ठीक है। अब उसमें क्या है पता है, अब तोड़ने के बाद क्या बोलता है, मैंने तो तोड़ा ही नहीं था, ऐसे हाथ लगाया था मैंने और बोर्ड गिर गया, टूट गया ऑलरेडी, टूट गया पहले का। अब मुझे बताओ ये शीशा जो है ना इसका मिरर, ये गाड़ी 300 की स्पीड पे चलती है ना तो ये हिलता भी नहीं है, सिंग इसके अंदर हिलना छोड़ो वाइब्रेशन तक नहीं है, वाइब्रेशन होगा तो इसमें शीशे में विजिबिलिटी नहीं आएगी, तो इसके अंदर वाइब्रेशन तक नहीं है। और बंदा बोल रहा है कि हमने हाथ लगाया टूट गया, तो इसको भैया उसने कैसे रोटेट किया होगा, अपना चेहरा देख रहा होगा इसमें, तो ये उसने ख़त्म कर दिया, नुकसान कर दिया ठीक है। दूसरा नुकसान दिखाता हूँ, जो मैंने रैप कराई थी ना रैप, जहाँ गाड़ी खड़ी कर दो फोटो शूट के लिए कोई मना नहीं था, पूरे हरिद्वार में कितने बंदे फोटो शूट कराए, ये किसी ने हाथ से किया, देखो ये किसी ने अपने हाथ से रैप फाड़ी, देखो ये रैप है, रैप के ऊपर PPF है, इतनी मोटी लेयर होने के बाद ये ख़त्म कर दिया यहाँ से ठीक है। फिर ये देखो ये नाखून से फाड़ी है किसी ने ठीक है, ये ऐसे इतने आसानी से नहीं फटने वाली, ये नाखून से या हाथ में जो कड़े होते हैं, ये तो कड़े से फाड़ी, मेरे सामने बंदा खड़ा था, बाइक नीचे खड़ी थी होटल के बाहर, बंदा बाइक के पास था हाथ में गड़ा था, बोला मैंने नहीं किया है, बस दिक्कत ये थी कि कैमरे की डायरेक्शन गलत थी, लेकिन मैं फिर भी जाने दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ही मिला उसे, अब भाई बताओ उसको क्या मिला इसे फाड़ने से, मेरा नुकसान हो गया इसमें, मैं इसको अगर टचअप भी कराऊंगा दोबारा भी कराऊंगा पूरा, हो सकता है ये पूरा ही डलवाना पड़े अलग से, डलवाने का मतलब ये पूरा ही रैप कराना पड़े, तो ये मेरा भारी खर्चा हो गया अच्छा खासा, एक खर्चा ये हो गया। अब ये करते कौन है, करते फैंस ही हैं, फैंस तो नहीं होंगे यार इन लोगों, फैंस नहीं बोल सकते, ऐसे लोग हेटर्स होते हैं जो नुकसान देते हैं, फैंस ऐसे होते हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं भैया, फोटो शूट कराते हैं वीडियो कराते हैं, उनको अच्छा लगता है बाइक के साथ फ़ोटो डालते हैं हमारे, बहुत सारे ये प्रज्ञान खड़े हैं इधर और ये एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, वो तीसरी बार लेके आए, इनकी गाड़ी दिखाते हैं, बड़ी मज़ेदार गाड़ी है, और ये शरीफे का पेड़ मैंने बहुत दिन पहले दिखाया था, अब इसमें बड़े बड़े शरीफे आ गए, ये देखो कितने बड़ा शरीफा आ गया देखो ठीक है, ये देखो ये कितने कितने बड़े शरीफे आ गए इसके ऊपर अभी लगे हैं। और ये पता है ये जब कच्चा था तो मैंने खा के देखा था, तो ये शरीफा पहली बार आया था ना कच्चा दाल का, कच्चा शरीफा मैं खा रहा था तो इतना बुरा टेस्ट था इसका, मैंने फेंक दिया, फिर मैंने एक साल तो शरीफा नहीं खाया, लेकिन ये पकने के बाद खुद फट गया तो इतना मीठा था, बिल्कुल मैंगो लग रहा था उसका बीज, बिल्कुल मैंगो, हाँ बना बना मैंगो,
इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था जैसे चौसे का आम खाते हो ना, अगर वैरायटी आपको चौसे की पता हो आमों की, तो चौसे का आम खाते हैं, सेम टेस्ट था उसका, बड़ा सुंदर लग रहा था यार खाने में, क्या सुंदर लग रहा, बड़ा टेस्टी लग रहा था। उल्टा सीधा बोलते रहता हूँ आपको, बताइए। अब इसमें अभी तो कोई पका हुआ नहीं है, जब होगा फिर देखते हैं। इस छोटे से अमरूद ने हमें अमरूद भी खिला दिए, शरीफा तो हमारा बड़ा हो गया, शरीफे ने इस बार शरीफे खिलाए, तो गाड़ी में भैया हाँ इसने भी खिला दी, तो भैया गाड़ी में भारी भरकम नुकसान तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे नुकसान है ये यार, ये लोगों को नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर मना कर देंगे भैया गाड़ी से दूर रहो, फोटो वोटो मत खिंचाओ, कुछ मत करो, गाड़ी से दूर रहो, तो लोग कहेंगे एटीट्यूड आ गया। अब बताओ ये चीज़ें जिसने करी हैं, ठीक है, उसके पीछे बताओ क्या करेगा आदमी। जबरदस्ती ये रैप फाड़ी है हमारी, जबरदस्ती ये साइडों से निकाली या नाखूनों से, और जबरदस्ती में शीशा तोड़ दिया। ये नाना में भैया 2-4 हज़ार का मेरा नुकसान हो गया, उसको क्या मिला, कुछ नहीं, लेकिन मेरा लॉस हो गया। तो भाई साथ ही साथ रिव्यू करते हैं इस थार का। भाई इसको क्या बोलोगे, 4x4 क्लैम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे भाई, बहुत ही खतरनाक है। ये तीसरा क्लैम्बर है साल में प्रज्ञान का, इससे पहले लाए थे वो अलग था, फिर बाद में एक बड़ा था। ये इसलिए आया है क्योंकि इसके ऊपर टैंक लगा हुआ है, इससे फॉग निकलता है, निकालना फॉग, इससे फॉग निकलता है क्या इसमें, चालू करो, अरे मेरे हाथ में तो लाओ, इससे फॉग निकलेगा भाई, भाई साहब क्या फॉग निकल रहा है यार, गजब, निकालना, ओए होए भाई ये तो गजब की चीज़ है भाई, फॉग मशीन है भाई, फॉग निकल रहा है इससे यार, गजब, ये ड्रिफ्ट मारती है, ड्रिफ्ट मारती है। चलो अभी इसका थोड़ा सा चला के देखते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही चल रहा है, साथ साथ फॉग भी निकालो इसका भाई, साथ साथ फॉग भी दे रहा है, एक ही जगह को घूम रही है, चल नहीं रही क्या, अरे भाई बहुत चल रही है, 4x4 है ये, चारों चलते हैं भाई, 4x4 चारों वर्क कर रहे हैं इसमें, और ये सीधे सीधे भी जाता है, आगे पीछे ऐसे से भी जाता है ड्रिफ्ट करके, ये नीचे ईंटें लगी हुई है ना इसकी वजह से ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, अगर बिल्कुल प्लेन फर्श होता तो अच्छा ड्रिफ्ट करता। तो ये कितने रुपए का लिया था तुमने, 1200, ये 1200 का है भाई, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन मंगा लेना, अच्छी आइटम है, चलता ही बढ़िया, इसके अंदर बैटरी मिलती है, निकाल के चार्ज कर लो, और एक रिमोट सा हो गया, छोटी सी बैटरी 2 मिनट में दौड़ने, अच्छा अच्छा ये आगे करने का है ना, ये लेफ्ट राइट का, इसमें लाइट जलती है, लाइट जलती थी इसमें अभी, हाँ लाइट जलती, कहाँ जलती है ये देखो, अगर इसको चलाते रहोगे हल्की हल्की इसमें लाइट जल रही है, ग्रीन भी हो जाएगी। ओ भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो मुझे पता ही नहीं है, जब ये अच्छे से कंट्रोल होगा, चलाते रहोगे अच्छे से, तो भाई अच्छा ये दबाते रहोगे बहुत देर तक तो ये ग्रीन ही नहीं होगा, अपना मुझे लगता है अगर ये अच्छे से कंट्रोल हो जाती होगी तो ये ग्रीन हो जाती होगी, अच्छे से कंट्रोल ये कुछ ही बोल देता ये। तो भाई इस ब्लॉग में दिखाना यही था, जो लोग हमसे मिले थे उन सबका वीडियो इस ब्लॉग में है, अभी रिसेंटली हम मिलक आए हम लौट के हरिद्वार से, और दूसरा ये था कि ये लोगों ने नुकसान कर दिया यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और ये हमारी रैप वैप सब फाड़ दिए नाखून से, कड़े से हाथ में पेन कड़ा होता उससे फाड़ी गई है, तो इसकी वजह से मुझे फिर बरेली जाना पड़ेगा, दोनों शीशे डलवाने हैं और रैप भी सही करानी है। तो गाइस कल निकलता हूँ बरेली, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आज के ब्लॉग में दिखाना था कि लोग कैसा नुकसान कर देते हैं और कितना भारी नुकसान हो गया उनके, तो खाली उनके खाली मज़ा, उनका खाली मज़ा ऐसे ऐसे कर दिया, उधर से कर दिया, उनका मज़ा हो गया, लेकिन मज़े की सज़ा 4-6 हज़ार से हमारे ऊपर गुजरेगी। ये पकड़ो भैया 1200 रुपये का आइटम है प्रज्ञान का, ये बढ़िया रोबर है, तो तुम्हारा तीनों रोबर तुम्हारे पास होंगे ना, ये रोबर थोड़ी क्लैम्बर है ये, तो तीनों एक साथ जोड़ के चलाओ ना, हमारे थार से खींचोगे इसे, हमारे थार कैसे लेगा जे? ये जी क्या होता है 9 लाख में तो थार जाएगी नहीं, ये पकड़ दिया आराम से भाई, क्या क्या बोलते रहता है इसका कुछ नहीं पता। तो भाई शरीफे हो गए बहुत बड़े, किसी को शरीफे खाने तो बताए ना भाई, इधर हमारी सेम की फली भी तैयार हो गई है, किसने गेट मैक्स होता क्या है, चलो भैया इसकी बातें समझने के लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे, इसकी बातें आधी समझ में आती हैं आधी समझ में नहीं आती हैं। भाई अगर घर में थोड़ी बहुत जगह हो तो इस तरह के फल फ्रूट्स वाले पौधे लगा लिया करो, ये अच्छे लगते हैं, और ये थोड़ी सब्जी वब्जी लगा लिया करो, क्योंकि जो घर की सब्जी होगी ना वो आपको किसी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई ब्लॉग कर रहे हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, और अपनी गाड़ी को सलवा के लाते हैं कल।